आपके शोले जो है ना जहन्नमियों को बुलंद करेंगे, आपके शोले जहन्नमियों को ऐसे तो बुलंद करेगी, ऐसे तो बुलंद करेगी जैसे चिंगारियां उड़ती हैं ना, आपने देखा होगा हवाओं में, ऐसे जो है ना जहन्नमी वो आग में गोता लगाकर चिंगारियों की तरह उड़त रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, वो चीखों पुकार लगा के बैठे होंगे, ऐसे ऐसे जहन्नमियों को जो है ना तकलीफ होती रहेगी। और फिर जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि ऐ जहन्नमियों, जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था वो तो पूरा हो गया, बताओ कि जो अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था वो पूरा हो गया या नहीं हो गया? क्या वो वादा तुमसे जो अल्लाह ताला ने किया था वो हो गया नहीं या नहीं हो गया? तो जहन्नमी कहेंगे कि हाँ, वो वादा अल्लाह ताला ने हमसे भी पूरा कर दिया है, तुम अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं करते। फिर जब दोज़खी देखेंगे ना कि जन्नतियों की नेमतें, ऐसी ऐसी नेमतें सब कुछ देखेंगे, तो इल्तिजाए करेंगे, जन्नतियों को कहेंगे कि जो है ना कुछ नेमतें हमें भी दे दो, कुछ नेमतें हमें भी दे दो। तो वो जन्नती कहेंगे कि ये नेमतें काफिरों के लिए नहीं है, ये नेमतें काफिरों के लिए नहीं है। फिर फरिश्ते जो है ना उन जहन्नमियों को लोहे के गुर्जे मारेंगे, लोहे के ऐसे तो लोहे के गुर्जे मारेंगे कि उनकी जो है ना ये पूरी नसें फट जाएगी, उनको ऐसे मारेंगे कि लग पता जाएगा कि इस दुनिया में हमने वक्त कैसे गुजारा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले दोज़ख को दोज़ख की तरफ हांका जाएगा ना, तो जहन्नम उनसे ऐसी सख्ती से पेश आएगा कि इनकी जो जिस्म पर खाल है ना, जो खाल है वो भी जो है ना हट जाएगी, हड्डियां जार हो जाएंगी, गोश्त जार हो जाएगा जहन्नम की तरफ जब जहन्नम इनको धकेला जाएगा। ऐसी दर्दनाक अजाब होगा, ऐसा जो है ना सख्त तरीन अजाब होता है। लेकिन ये बातें जो है ना हम सुनते तो हैं, लेकिन इन पर कभी आप गौर करना, क्या करना, कभी आप गौर करना कि यार जहन्नम कितनी गहरी है और कैसी है। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बैठे थे अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो एक चीज ने झकना कि उसे धड़म की आवाज आई, नीचे धड़म की आवाज आई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब किराम से पूछा कि ऐ साहबे, तुम्हें पता है कि ये जो आवाज आई है ये किस चीज की आवाज आई है? क्या ये जो आवाज आई है ये किस चीज की आवाज आई है? तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो पत्थर जो है ना जहन्नम की तरफ फेंका जा रहा था, जो कितने हजार सालों से नीचे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, वो आज जाकर नीचे तय में जहन्नम पे पहुंचा है। इतनी जहन्नम गहरी है, इतनी गहरी है। लेकिन साहब आप जो है ना अपने कभी ऊपर गौर करना कि हम जो है ना काम कौन से कर रहे हैं, जन्नती वाले काम कर रहे हैं जहन्नम वाले काम कर रहे हैं? रब ताला गफूर रहीम है, बेशक अल्लाह ताला की गफूर रहीम ऐसा है कि कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन जहां अल्लाह ताला ने गफूर रहीम का फरमाया ना, वहां का हाल और जब्बार का भी फरमाया कि अल्लाह ताला बड़ा कहार और जब्बार का है। जो अड़ जाता है ना, अड़ जाता है दुनिया के मामले में भी, अगर कोई किसी बात में अड़ जाते तो आपके फेस का चेहरे का रिएक्शन बताता है कि आप गुस्सा करने करते हैं। तो रब ताला की तो कहानी देखने वाली है, रब ताला अगर कहार में आ जाए तो उसको कह कौन सकता है? जहन्नमी जो है ना, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे 40 साल कर दारोगा जहन्नम को बुलाएंगे, इल्तिजाए करेंगे, मर भी नहीं रहोगे, दुआएं करेंगे अल्लाह मर जाए, जान छूट जाए, ताकि ये जो तकलीफ आजार खत्म हो जाए, तब भी खत्म नहीं होगी। वो 40 साल तक दारोगा जहन्नम को जो है ना क्या करेंगे, बुलाएंगे बुलाएंगे कि किसी ना किसी तरह हमारी बात सुन ले, पानी दे, प्यास खत्म हो। 40 साल तक उनको कोई जो है ना आवाज सुनेगा नहीं, वो पुकारते रहेंगे पुकारते रहेंगे, ऐसी 40 साल तक वो उनको जो है ना पुकारेंगे, लेकिन इसके बाद भी उनकी सुनी नहीं जाएगी। 40 साल के बाद वो जब अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन से हुक्म करेगा कि जिब्राइल ये कौन है जो पुकार रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला को पता है लेकिन क्या ऐसे ही पूछने के लिए क्यों पुकार रहे हैं, तो वो जिब्राइल अर्ज करेंगे कि ऐ मौला ये पानी के लिए जो है ना तरस रहे हैं, बादल बारिश के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना एक बादल भेजेगा, तो वो जानने में खुश होंगे कि बादल आ गया, पानी बरसेगा, हम जो है ना अपनी शराब प्यास बुझाएंगे। लेकिन वो बादल आम सा नहीं होगा, कौन सा बादल होगा? वो बादल आम सा नहीं, वो काला छांव वाला बादल होगा जिससे बिच्छू निकलेंगे, खच्चर जितने बिच्छू है, खच्चर आपने देखे खच्चर कितना होता है, खच्चर जितने बिच्छू निकलेंगे और उन जहन्नमियों को
मारेंगे, ऐसा तो डंग मारेंगे, कहते कि हजार साल तक उस डंग का जो है ना दर्द उनसे दूर नहीं होगा, ऐसा दर्द होगा। फिर जो है ना वो एक और आएंगे, ऊंट जितने, इस बात में ऊंट जितने सांप आएंगे, कितने आएंगे, ऊंट जितने सांप आएंगे और उनको वो फिर मारेंगे, डंग मारेंगे, ऐसा डंग मारेंगे कि वो हजार साल तक उनके सिपार से जो है ना दर्द नहीं जाएगा। आज हमारे अगर नाखून में भी दर्द होता है, मैं नाखून में आपने देखा होगा नाखून में दर्द होता है, पूरे जिस्म को पता चलता है कि दर्द हो रहा है। अगर थोड़ी सी भी जरा सी भी नाखून के नीचे अगर थोड़ा सा कांट आप चुबा दें, आपके पूरे जिस्म में हरकत होगी, पता चलेगा कि यहाँ शदीद दर्द हो रहा है। अगर नाखून को नीचे करेंगे आपकी आए निकलेंगे कि यार दर्द हो रहा है। वो डंग ऐसा होगा, कहते हैं कि अगर यहाँ जमीन पर अगर वो मारे तो रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ों पर मारे रेजा रेजा हो जाए, ऐसा डंग है। लेकिन साहब किसको डर है, किसको खौफ है, किसको भी नहीं है, क्या किसको डर है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है ना कितने डराया कि डर जाओ, लेकिन क्या हम डरते हैं? हम अपने ऊपर देखें कि हम डरते हैं या नहीं डरते। आज हमें बताया जा रहा है कि भाई इस तरफ आ जाओ, लौट जाओ अपने रब ताला की तरफ, यही सीधा रास्ता है अपने रब ताला की तरफ, आ जाओ आ जाओ, लेकिन क्या हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम अपने ऊपर देखें। हमें डराया भी जा रहा है, हमें धमकाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना हम उसकी तरफ लौट नहीं रहे। हम अपने रब ताला से जिस तरह इबादत करनी चाहिए थी वो हम कर नहीं रहे, हम अदा नहीं कर रहे हैं। हमें भी पता है अगर दुनिया के लिहाज से अगर कोई आपको ड्यूटी पर रखे जो वो आपका काम ना करे ना, वो आपको उठा कर फेंक देता है कि जाओ आप मेरे काम के नहीं, आप काम नहीं कर रहे सही तरह से, आप ऐसा मुझे बंदा नहीं चाहिए। वो रब ताला देखे कितना ये गफूर रहीम है, हम काम ना करें, इबादत ना करें, याद ना करें, फिर भी हमें खिला रहा है, पिला रहा है, मजे आ रहा है, गुनाहों के ऊपर पर्दा है, ये उनकी गफूर रहीम सरकारी नियम और क्या बताए। ये लोग जनाजे उठते हुए फिर भी हमारे ये जो दिल जो है ना जाग नहीं रहा, ये बताएं लोग जो है ना जब जनाजा देखे तो वो चालीस सालों साल अपने आंखों से आंसू गिराया करते थे कि बस अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी आई। ये जनाजे देखकर फिर भी हमारे आंखों से गफलत नहीं उतरी, बताओ हम जागेंगे कब जागेंगे, हमने जागना है कब जागेंगे? वरना जो लोग हैं कुफार हैं, अपने मजहब के साथ कितने ईमानदार हैं, सच्चे हैं, हर कोई अपने दीन का काम कर रहा है, हर कोई अपने शोबे के साथ मुखलिस है, हर कोई काम कर रहा है, आप अपने लिहाज से देखें हर कोई अपने शोबे के साथ मुखलिस है, लेकिन दीन के लिहाज से हम कितने मुखलिस हैं, दीन का हम कितना काम कर रहे हैं, हमने कितना दीन का काम किया? वरना हम अपने गरीबान में देखें हम दीन का काम कर कितना